Okay, so webinar topic. Today's webinar topic is perfect day of a network marketer. Ek network marketer ka perfect day kya hoga? Okay, so yes, we are building this business. We are engaged in many, many activities, but we have to do some visualizing activity also. Humko kuch ye bhi sochna padega ki actually hum ja kahan rahe hain. Because agar hum ye nahi samjhenge, agar hum is cheez ko realize nahi karenge ki network marketing to kar rahe hain, but बहुत सारे लोगों को मैं आपको बता रहा हूँ, मैनी पीपल इवन डोंट नो देयर व्हाई, वो इस बिजनेस में है क्यों. मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% पीपल डोंट नो व्हाई दे आर इनटू दिस बिजनेस. 90% पीपल दे डोंट नो कि वेयर दे वांट टू गो विद दिस आफ्टर वन ईयर, आफ्टर टू ईयर्स, वेयर दे वांट टू गो. मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि जब मैं नौकरी में था, जब मैं जॉब में था नेटवर्क मार्केटिंग मैनेजर से पहले, तो मैं तीन शब्दों से डरता था. वो तीन शब्द थे यू आर फायर्ड. बट अब मैं चाहता हूँ मेरा ही बिजनेस, बहुत सारे मेरी टीम के मेंबर्स जिनके साथ मेरा बहुत क्लोज बॉन्ड है, और दे आर आई हैव नेवर मेट देम. मैनी 80% पीपल आई हैव नेवर मेट देम, कभी नहीं मिला मैं उनसे. बट आई हैव सच ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कि आई रियली वांट ईच एंड एवरी पर्सन इन द टीम, जो भी सिंसियरली करना चाहते हैं काम को, आई रियली वांट कि आज से 2 से 3 साल के बाद, एग्जैक्टली मैं फिगर नहीं कर सकता हूँ 2 से 3, इट ऑल डिपेंड्स लोगों की सिंसियरिटी के ऊपर, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मेरा बिजनेस मुझको बोले You are fired. आपकी जरूरत नहीं है. You are not required in this business. That is the beauty of network marketing. This is possible. किसी और business में possible नहीं है. Okay? That's the power of passive income. And that's why ये सब mind में क्यों आ रहा है मेरे? ये सब mind में क्यों आया? Because I visualized a perfect day of myself being a network marketer. और वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक perfect day network marketer का क्या होगा. Let's take it one by one. एक perfect day क्या होगा? Let's first of all understand, क्योंकि perfect day क्या activities होनी चाहिए ये सब बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, that's a question, आप लोगों को chat box use करके बताना है. Our daily routine activities, network marketing business में हम daily activities क्या क्या करते हैं? Anybody? Use a chat box. What we do every day? What are the daily activities? Usually हम लोग क्या क्या करते हैं? सोना जगना खाना पीना छोड़ के मैं बोल रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, लिस्ट बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टिंग, ग्रेट, कॉलिंग, प्लानिंग, ओके, इनवाइटिंग, ट्रैवलिंग, बुक रीडिंग, ओके, ग्रेट, ट्रेनिंग्स, ओके, लर्निंग एंड टॉक टू मोर एंड मोर पीपल, प्लान शो करना, प्रोस्पेक्टिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, ग्रेट, एजुकेशन लेना, एजुकेशन देना, यस, ट्रेनिंग लेना और ट्रेनिंग देना, conversations with maximum people, connecting with people, book reading, follow up, है ना, reading and planning, yes, अपने आप को develop करना, training distributors, अपनी team को training करना, देना, call team members, yes, तो ये सारी activities में हम लोग involve होते हैं, correct? So यही सब चीजें मैं आपको एक बार इसको open करके दिखाता हूँ. These all are the activities जिसमें हम involve होते हैं. Relationship building, या आप बोल सकते हैं connection building, rapport building, और rapport building मैं आपको बताता हूँ. एक rapport building ना, yes, improving yourself. Rapport building जो होता है ना, वो एकदम से नहीं होता. It takes time. जैसे कि अभी मैंने एक example दिखाया था. मेरी टीम में एक person है वैभव, he is an artist, वो painter है. और वैभव वो खुद कुछ ढूंढ रहे थे, and then finally for 2 months, at least 2 months के लिए he was just following me. Okay? For 2 months he was just following me. Similarly, I have many people in my team. मैंने उनसे पूछा कि किस तरीके से आप बिजनेस में आ रहे हो, क्या सोच रहे हो, तो दे वर जस्ट फॉलोइंग मी फॉर, कोई कह रहा है कि आई वाज फॉलोइंग यू फॉर 6 months, कोई कह रहा है वन ईयर, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग जस्ट 10 दिन पहले से कुछ फॉलो कर रहे हैं, एंड दे कैन सेंस दैट क्या बोलेंगे, वैल्यूएबल समथिंग. ओके, सो होता क्या है, रेपो बिल्डिंग के लिए मैंने उनसे कभी बात नहीं करी. देर आर मैनी पीपल हु वर वॉचिंग मी ऑन सोशल मीडिया. सोशल मीडिया इज अ ग्रेट वे. अगर हम डेली सोशल मीडिया को यूज करके एक वैल्यूएबल कंटेंट बना पा रहे हैं बेस्ड ऑन अवर ओन अंडरस्टैंडिंग, अवर ओन मैं बोलूंगा जस्ट बी योरसेल्फ. ओके, तो इन दैट केस मेनी पीपल आर जस्ट फॉलोइंग यू. रिलेशनशिप बिल्डिंग हम लोग करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, कन्वर्जेशन मैक्सिमम लोगों के साथ करते हैं एवरी डे, टेक ट्रेनिंग, गिव ट्रेनिंग, प्लानिंग एंड थिंकिंग, ओके, यस, ट्रेवलिंग एंड सपोर्टिंग एग्जिस्टिंग टीम मेंबर्स. अब जहां पर ये सारी बातें कि सेमिनार में जाना और ये सब चीजें, वो ट्रेनिंग में सब कुछ आ जाएगा. इसमें बुक रीडिंग, वेबिनार जो आप अटेंड कर रहे हैं अभी, दिस आल्सो कम्स इनटू ट्रेनिंग. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स मोस्टली हम ये सब चीजें
करते हैं एवरी डे. ओके, और इसमें जो इनकम जनरेशन एक्टिविटी है जहां पे हमको रियली में एक इनकम जनरेट होती है, दैट इज प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप एंड कन्वर्सेशन, इन सब चीजों में. बिकॉज यही एक ऐसी चीज है जहां पे रियली में वी आर टॉकिंग टू अवर पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट. करेक्ट. सो रिलेशनशिप बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टिंग, ये जो ए एंड बी है, एक्चुअली दीज आर इनकम जनरेशन एक्टिविटी. बाकी जो एक्टिविटीज हैं, दीज आर सपोर्टिंग एक्टिविटीज, जहां पे हम खुद को रेडी कर रहे हैं इस बिजनेस में. एक तरीके से वर्ल्ड कप खेलने से पहले, मेन क्रिकेट खेलने से पहले, वी आर डूइंग नेट प्रैक्टिस. उसको बोलते हैं हम एजुकेशन लेना, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मेरा क्वेश्चन ये है, इन ए बी सी डी ई एफ, इन सब में से सबसे ज्यादा एनर्जी एंड सबसे ज्यादा टाइम एवरी डे हमारा कहाँ जाता है? सबसे ज्यादा हमारा कहाँ जाता है? आप ए बी सी डी ई एफ में कुछ भी लिख सकते हैं. सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी कहाँ जाती है? कहाँ जानी चाहिए, नहीं, कहाँ जाती है हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी, कहाँ जाती है? यस, ए, कुछ लोग कह रहे हैं बी, कुछ लोग कह रहे हैं ए. डी, प्लानिंग एंड थिंकिंग. ए, ओके. बी, सी, ओके. कहाँ जाती है? क्या रियली में डेली में प्रोस्पेक्टिंग कर पाते हैं? क्या रियली में आप एवरी डे, आप बताइए कि आप कहाँ पर ज्यादा अपना समय निकाल रहे हैं? जस्ट बी वेरी वेरी ऑथेंटिक. इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि nobody is going to judge you. बस I'm asking about you, okay? तो कोई कह रहा है E, F, मतलब मिक्स हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं यहाँ पर. Now, okay, F, okay. Now, मैं आपको बताता हूँ मेरा अपना एक्सपीरियंस. मेरा सबसे ज्यादा टाइम जो जाता था अभी नहीं, स्टार्टिंग में, वो जाता था प्लानिंग एंड थिंकिंग में. आई यूज टू स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम अबाउट प्लानिंग, कि मैं आज क्या करूँ, आज क्या कॉन्टेंट डालू, आज किससे बात करूं, किससे आज के दिन करना क्या है. मतलब आई वॉज स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम कि मैं कौन सा टूल यूज करूं, कौन सा, किस तरीके से कंटेंट बनाऊंगा, किसको किस तरीके से ट्रेनिंग दूंगा. प्लानिंग एंड थिंकिंग में मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, दीज आर समथिंग विच इज, इसको बोल सकते हैं इनविजिबल स्टफ. किसी को दिखता नहीं है ये, ना किसी अपलाइन को, ना किसी डाउनलाइन को, दे विल नॉट सी दिस. प्लानिंग एंड थिंकिंग इज द मोस्ट एंड मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग एंड एनर्जी कंज्यूमिंग थिंग फॉर मी. मेरे लिए यही था. बाकी सबसे अच्छा, अगर आपका टाइम प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप एंड कन्वर्सेशन में अगर एवरी डे जा रहा है, तो दिस इज वेरी वेरी गुड. बट मोस्टली आई रियलाइज दैट मेरा टाइम इसमें ज्यादा जा रहा था. ट्रेवलिंग में भी जा रहा था. नेक्स्ट, टीम को ट्रेनिंग देने लेने और इन सब, वो सब में टाइम जा रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम इसमें. ओके, सो जब हम इस चीज को रियलाइज करते हैं कि हमारा टाइम सबसे ज्यादा कहाँ जा रहा है, तभी तो हम उसको सॉल्यूशन निकालेंगे. फर्स्ट इज रियलाइजेशन. ओके, ओके, सो फर्स्ट इज रियलाइजेशन कि प्लानिंग एंड थिंकिंग में टाइम जा रहा है. सेकंड इज, लेट्स विजुलाइज अ परफेक्ट डे. कि अगर हमारा टाइम इतना ज्यादा इसमें जा ही रहा है, सो व्हाट टू डू, हाउ टू सॉल्व दिस. ओके, जस्ट गिव मी मोमेंट. तो मैं ये नहीं चाहता था कि इसी तरीके से जिंदगी चलती रहे, कि प्लानिंग एंड थिंकिंग करते रहें और इन सब चीजों में टाइम जाता रहे. आई रियली वांटेड सम सॉल्यूशन फॉर दिस. और तब मैंने एक मेंटल एक्सरसाइज करी थी. और ये मेंटल एक्सरसाइज मैंने इसलिए नहीं करी थी बिकॉज मुझे किसी ने ऐसे बताया नहीं था. बट द थिंग इज, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए मेरे माइंड में हमेशा एक चीज रहती थी, रॉबर्ट टी कियोसाकी का. मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूँ, रॉबर्ट टी कियोसाकी एक लाइन हमेशा लिखते हैं. हमेशा एक एंटरप्रेन्योर को अपने माइंड में ये सोचना चाहिए, हाउ कैन आई डू व्हाट आई डू फॉर मोर पीपल इन लेस टाइम, एफर्ट एंड मनी. ओके, अगर हम सिर्फ सोच ही रहे हैं और एक्शन में नहीं आ पा रहे, इसका मतलब क्या हो रहा है कि दिस इज नॉट गोइंग टू गिव एनी रिजल्ट. नाउ आई नो द आर्ट ऑफ हाउ टू क्रिएट कॉन्टेंट फास्ट, हाउ टू क्रिएट ट्रेनिंग फास्ट, हाउ टू डिलीवर ट्रेनिंग फास्ट, बिकॉज आई हैव इम्प्रूव माई ओन स्किल्स. ओके, जब हम अपनी पर्सनल वैल्यू इंक्रीज करते हैं, जब हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, इन दैट केस ये टाइम जहाँ पे एनर्जी वेस्ट हो रही है, वहां पे वी कैन इम्प्रूव इट. और वहां पर मैंने एक मेंटल एक्सरसाइज करी, और वो मेंटल एक्सरसाइज ये थी, यार एक बार सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मेरा परफेक्ट डे क्या होगा. ओके, ये तो वो हो गया कि जो कि अनकॉन्शियसली बस नेटवर्क मार्केटिंग मुझे लेके जा रही है. मैं ये चाहता हूं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जाऊं, नेटवर्क मार्केटिंग मुझे लेके ना जाए. राइट, एकदम से क्या होता था, किसी का फोन आता था कि हेलो तरुण,
मेरे डाउनलाइन, हेलो तरुण, फोन पे बात कर रहा हूँ। हेलो तरुण यार, ये मेरा एक प्रोस्पेक्ट है, उससे मिलना था, ऑफिस आ जाओ यार, ऑफिस आ जाओ, तो मतलब उससे बात कर लेते हैं, मिलके मीटिंग कर लेते हैं एक। ये जनरली होता है कि नहीं, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, डाउनलाइन का किसी का फोन आएगा, व्हाट यू विल डू? यस सर, हाँ प्रोस्पेक्ट है, चलो ना बात करते हैं, राइट? सिमिलरली ये सब नेचुरल चीजें, ऐसे ही होता है। सिमिलरली अपलाइन का फोन आया, जो कि ऑब्वियसली जेन्युइन तरीके से, कि हेलो तरुण, एक एक बात बताइए, आज एक बहुत बढ़िया सेमिनार है, चलिए चलिए चलते हैं। तो देखिए, मैंने प्लान नहीं किया, नेटवर्क मार्केटिंग ने मेरे लिए प्लान कर दिया दिन। तो आई रियली वॉन्टेड कि मैं प्लान करूं कि मुझे कैसे करना है काम, नेटवर्क मार्केटिंग अपने अपना घुमा दे। ओके, सो इन दैट केस, पहली बात तो मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर था दैट आई वॉन्ट फ्रीडम इन दिस बिजनेस, आई डोंट वॉन्ट टू बी बिजी, आई वॉन्ट टू बी एक्टिव। एक्टिव और बिजी होने में डिफरेंस है, बी एक्टिव, डोंट बी बिजी। अगर इस बिजनेस में अगर हम बिजी हैं, वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ओके, तो जॉब ही कर लेते ज्यादा अच्छा था। ओके, सो मैंने विजुलाइज किया, एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या विजुलाइज किया, क्या सोचा। सबसे पहला आई विजुलाइज्ड कि पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को मैं अप्रोच ना करूं, लोग मुझे खुद अप्रोच करें। देखिए, मैंने ये सोचा तभी मैं ये कर पाया, और मैं आपको बता रहा हूँ, दिस हैपन्स एंड दिस ओनली हैपन्स। और ये जब मैंने इस विजुलाइज किया यार, मुझे खुद क्यों ना खुद लोग मुझे कॉन्टेक्ट करें, जिसको जिसको सीखना है, जिसको करना है, लेट मी गिव देम अ गुड कॉन्टेंट, लेट मी गिव देम गुड वैल्यूबल कॉन्टेंट। एंड इफ दे थिंक, अगर उनको लगता है कि आई कैन हेल्प देम इन द बिजनेस, अगर उनको लगता है कि आई एम द राइट पर्सन, दे विल कॉन्टेक्ट मी। ओके, एंड क्यों ना इस तरीके से, ये कोई मैं कोई वैसा एटीट्यूड वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ, दिस इज माई थॉट, कि जस्ट टू सेव माई ओन टाइम, पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट, चाहे देखिए ऐसे भी लोग हैं मेरी टीम में, जो लोग जिनका जिनका साला, जिनका जीजा या कोई ऐसे कुछ इन लॉज में कोई पर्सन जो कि मेरी कंपनी में था, बट उन्होंने उनको उनके थ्रू पता चला कि ये कंपनी है, उस कंपनी के बारे में, लेकिन उन्होंने ज्वाइन मुझे किया, उनको ज्वाइन नहीं किया, राइट? दिस हैपन्स। ये कैसे हुआ? बिकॉज आई वर्क ऑन माई ओन पर्सनल ब्रांडिंग। ओके, जब हम अपनी पर्सनल वैल्यू को ग्रो करते हैं, दिस हैपन्स। परफेक्ट डे, पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट के खुद मैसेज आए, हेलो सर, आई वॉन्ट टू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस। ओके, करेक्ट? सो यू वॉन्ट टू सी वन ऑफ द एग्जाम्पल, जस्ट बिफोर दिस वेबिनार, मैं आपको जस्ट शो कर रहा हूँ, जस्ट बिफोर दिस वेबिनार, मैं आपको एक चीज शो करता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। जस्ट बिफोर दिस वेबिनार आई गॉट दिस मैसेज, आई डोंट नो कि क्या पता ये पर्सन मुझे देख रहे हो अभी। ओके, आई वॉन्ट टू ज्वाइन। ज्वाइन करने के लिए क्या करना होता है? ज्वाइनिंग फीस लगती है क्या? मैंने उनको वीडियो दे दी, मैंने बोला चलो मैं वेबिनार में बिजी हो रहा हूँ, पीपल आर ज्वाइनिंग मी, करेक्ट? सो ये ऐसे नहीं हो कि एक ही रात में सब चीज हो गई, इट टेक्स टाइम, बट यू हैव टू विजुलाइज कि आप चाहते क्या हैं, आपका एक परफेक्ट डे क्या होगा। सेकेंड, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, जैसे कि एकदम से कोई पर्सन ये बोल दे कि यार तरुण, एक एक मेरे डाउनलाइन में पर्सन ने ज्वाइन करा, उसको ट्रेनिंग चाहिए, एक काम करो, एक जूम पे आ जाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। इस तरीके से मैं काम करता था, मैं पूरा दिन बिजी रहता था। ओके, बट नाउ व्हाट आई हैव डन इज, आई हैव क्रिएटेड माय ओन ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम, एंड एवरी डे फॉर हाफ एन आवर टू 1 आवर वी हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग्स। एक स्टूडेंट नहीं बताएगा कि यूनिवर्सिटी क्या पढ़ाएगी, यूनिवर्सिटी बताएगी कि स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है। ओके, सो यू हैव टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ कल्चर। व्हेन वंस अ न्यू प्रोस्पेक्ट जॉइंस, अ न्यू प्रोस्पेक्ट डज नॉट नो कि उसको क्या सीखना चाहिए, यू मस्ट हैव अ वेरी क्लियर 7 डेज प्लान, कि 7 डेज प्लान में हम उसको क्या सिखाएंगे, एंड एक गाइडेंस हम लोग ही उसको दे सकते हैं ना, करेक्ट? सो वी हैव अ वेरी सॉलिड ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम, जिससे कि इट सेव्स लॉट्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन, जब एक पर्सन कोई पूछता है कि आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट योर कंपनी, इन दैट केस आई हैव अ, कभी कभी मैं ऑनलाइन लाइव प्रेजेंटेशन भी देता हूँ ग्रुप में, बट यूजुअली व्हाट आई डू इज आई हैव अ वेबिनार रिकॉर्डिंग डन, और उस रिकॉर्डिंग की जस्ट मैं वीडियो उनके साथ शेयर करता हूँ। अगर एक पर्सन रियली में सिंसियर है, एक पर्सन जब खुद ही मुझे अप्रोच कर रहा है, इफ दैट पर्सन इज रियली सिंसियर टू नो इन डिटेल अबाउट द बिजनेस, 1 घंटे की वीडियो, आधे घंटे की वीडियो वो जरूर देखेगा, वो जरूर देखेगा। बिकॉज देखिए क्या होता है कि क्या आप लोग ये फील करते हैं कि अगर आप एक वीडियो किसी के साथ शेयर करते हैं तो यूजुअली लोग वीडियो देखते नहीं, ऐसा फील करते हैं कि नहीं? क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम थी, मैं लोगों को वीडियो दे रहा था लेकिन लोग वीडियो नहीं देख रहे थे। इन दैट केस मुझे ये समझ में आया कि मैं वीडियो को सही तरीके से नहीं दे रहा हूँ। आप किसी को खाना देने से पहले आप उसको खाना देने से पहले उसको बताइए कि तुम्हें भूख कितनी लग रही है, उसकी भूख पहले बढ़ानी पड़ेगी हमें, राइट? सो द थिंग इज,
उसकी भूख हमें पढ़ाने का काम हमारा ही है. ओके, वी हैव टू डू दिस. तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनको बहुत क्लियरली बताता हूँ, आपको भी बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी. तो मैं उनको पूछता हूँ, जब भी कोई पर्सन को मैं वेबिनार की वीडियो शेयर करता हूँ, तो रिकॉर्डेड वीडियो, सो देखिए आई कैन अंडरस्टैंड कि यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट और आपके कुछ क्वेश्चन हैं, बट अगर मैं आपको एक घंटे की वीडियो देता हूँ, दिस इज वन आवर वीडियो, जिसके अंदर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा इसका, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें अगर मैं आपको बोलूँ एक घंटे के अंदर, अगर आप यू आर जस्ट वन आवर अवे टू लर्न इन डिटेल अबाउट इट, सो वुड यू बी रेडी टू वॉच दिस कम्प्लीट वन आवर वीडियो? क्यों ना उससे हम बोलवा लें, यस यस दीजिए ना वन आवर की. पहले हमने एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी, दिस इज गोइंग टू बी वन आवर वीडियो. और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि बिकॉज ये वन आवर की वीडियो है, कोशिश करिएगा कि इसको आप तभी देखिएगा जब ये पूरा एक साथ आप देख पाए. ओके, और अभी बज रहे हैं 1:30. क्या अगर मैं शाम को ठीक 4 बजे आपको कॉल करूं, ठीक 4 बजे, नोट करिएगा, अगर मैं ठीक 4 बजे आपको कॉल करूंगा, तो क्या 4 बजे तक आप इस पूरी वीडियो को देख पाएंगे? जब हम एक पर्सन को वीडियो देते हैं एंड जब हम उसको एक बहुत क्लियरली बता देते हैं कि 4 बजे से पहले देखनी है, वो खुद देखता है. ओके, वो खुद दिखता है. सो इट ऑल डिपेंड्स कि हम वीडियो कैसे दे रहे हैं. एक हो गया हम वीडियो दे देते हैं ये कहकर कि मैं आपको वीडियो देखता हूँ, वीडियो देख ली, वीडियो देख लीजिए, वो कभी नहीं देखेगा. वी हैव टू सेट अप, वी हैव टू सेट अ एंड डेट आल्सो, कब तक देखनी है वीडियो. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द स्किल्स, फाइन वर्ड्स हम बोलते हैं, इट सेव्स लॉट्स ऑफ टाइम. नेक्स्ट, फॉलो अप, क्लोजिंग ऑनलाइन, इवन फॉलो अप भी आई डू ऑनलाइन. ओके, आई डू फॉलो अप एंड क्लोजिंग ऑनलाइन. तो ये किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन, मान लीजिए एक टीम में, मेरे टीम में वैभव है. अब वैभव बोलेगा कि सर एक पर्सन है, मेरा एक फ्रेंड है, उसको मैंने बेसिक सब बता दिए हैं, बट उसके कुछ क्वेश्चंस हैं. तो दैट इज अ फॉलो अप, दैट इज अ क्लोजिंग टाइम. सो आई ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प माय टीम मेंबर्स कि क्लोजिंग के टाइम पे यू कैन इन्वॉल्व मी एंड वी डू अ ज़ूम मीटिंग, आई यू एंड योर प्रोस्पेक्ट, एंड देन आई ट्राई माय बेस्ट टू क्लोज इट. तो क्लोजिंग भी मैं ऑनलाइन करता हूँ, देर इज नो नीड टू मीट. मैं आपको सही बता रहा हूँ, देर इज नो नीड टू मीट इफ यू हैव अ वेरी वेरी गुड पर्सनल ब्रांड, यू हैव अ वेरी गुड पर्सनल वैल्यू एंड एट द सेम टाइम यू हैव वेरी गुड फाइन वर्ड्स. फाइन वर्ड्स का खेल है ये पहुंचाना. देन सॉलिड इंडक्शन प्रोग्राम, जब वंस अ टीम मेंबर जॉइंस, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए उसको बताना क्या है. तो वी हैव अ 5 वीडियो सीरीज, एक 5 वीडियोज हमने बनाई है. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2. जब देखिए, जब एक पर्सन, जब एक ऐसे सोचिए, जब एक स्टूडेंट बीटेक में एडमिशन ले लेता है ना, ऑब्वियसली हमको माइंडसेट पे तो काम करना ही है. जब एक पर्सन बीटेक में एडमिशन ले लेता है, तो किताब चाहे इतनी हो चाहे इतनी हो, वो पढ़ेगा. सिमिलरली एक पर्सन जब टीम में ज्वाइन कर लेता है, तो आई टेल देम कि नाउ द नेक्स्ट स्टेप, सर नेक्स्ट क्या करना है, तो लेट मी टेल यू द नेक्स्ट स्टेप इज आई एम गोइंग टू गिव यू लेसन नंबर 1. एक वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, उस वीडियो को पहले देखिए, 1 आवर की वीडियो है. ओके, नाउ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगले 5 दिन के अंदर यू डोंट टॉक टू एनीबॉडी, इन अगले 5 दिन के अंदर डोंट थिंक एनीथिंग एल्स, डोंट वॉच एनी यूट्यूब वीडियो, डोंट डू एनी रिसर्च बिकॉज यू विल किल योर ओन बिजनेस. मैं ये पहले से बोल देता हूँ. ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट एज अ लीडर, यू नो कि कहाँ कहाँ पे वो, अब वो एक वीडियो दोगे तो आप दुनिया भर की वीडियो देखने लग जाएगा और खुद ही नेगेटिव कर लेता है अपने आप को. प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, प्रॉब्लम लोगों के दिमाग में है कि लोग नेगेटिविटी में ज्यादा घुसते हैं. तो आई जस्ट मेक इट वेरी वेरी क्लियर कि नाउ डोंट रीड एनी अदर बुक, जो मैं आपको बुक दे रहा हूँ सिर्फ उसी को रीड करिए, सो दैट आई रियली वॉन्ट यू टू गो अहेड इन दिस बिजनेस इन अ प्रॉपर प्रोफेशनल वे, इन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. तो दिस वे जब हम माइंडसेट डेवलप कर देते हैं उसका, तो वो वही वीडियो देखते हैं जो हम उसको दिखाते हैं मोस्ट प्रोबेबली. फिर भी कोई पर्सन जाएगा तो जाने दीजिए, कुछ हम कुछ नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड एन इंडक्शन प्रोग्राम, बिकॉज यहाँ पर भी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था मेरा, बिकॉज जब मैंने विजुलाइज करा ना परफेक्ट डे, परफेक्ट डे का मतलब ये नहीं है कि मेरी टीम बहुत बड़ी हो और मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, ऐसी बड़ी टीम का कोई फायदा नहीं है. ओके, परफेक्ट डे ये है कि टीम बढ़ती चली जाए लेकिन टाइम कम लगता रहे, बड़ी टीम कम एफर्ट में, इफ यू आर एबल टू मैनेज. ओके, नाउ यस, मैं एक चीज और बता रहा था आपको कि हो के रहा था कि जब एक नया टीम मेंबर ज्वाइन, आप भी इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, इफ यस जस्ट टाइप यस, कि एक नया टीम मेंबर ज्वाइन करता है, जस्ट सोचते हैं क्या होता है कि सर ज्वाइन तो कर लिया है, ये बताइए कि प्रोडक्ट ऑर्डर करना हो तो कहाँ से ऑर्डर करें, पूछते हैं क्वेश्चन. सर वो ऑनलाइन लॉग इन कैसे करना है क्वेश्चन. इसमें देखिए, इसमें आप किसी को बिजनेस नहीं समझा रहे हैं, यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम इन ऑल दीज थिंग्स, रिपीटेड क्वेश्चन. ओके, सर वो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा था, लेकिन वो बाद में वो बता रहा था एक कि वो गूगल पे फोन पे नहीं अलाउ कर रहा है,
यस गूगल पे फोन पे अलाउड नहीं है। अब एक ही, अब सर ये बताइए कि एक एक पर्सन है, मेरे एक कजिन है, उनको ना पेट की बीमारी है, उनको फैटी लीवर है, फैटी लीवर, फैटी लीवर के लिए मैं क्या दूं उनको? अब चाहे देखिए कंपनी के प्रोडक्ट वही हैं, बीमारी अभी वही है, हालांकि बीमारी कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मेडिसिन नहीं बनाती है, वी कोई न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट ना रहा ये सब चीजें, बट क्यों ना ये रिपीटेड क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करिए। आई जस्ट मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन जो कि मुझे नया नया प्रोस्पेक्ट, नया टीम मेंबर पूछता है। नाउ मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ एक चीज कि इन सब चीजों में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एक एंटरप्रेन्योर एज पर रॉबर्ट कियोसाकी, एक एंटरप्रेन्योर वर्क्स ऑन बिल्डिंग अ सिस्टम। ओके, तो दिस इज अ सिस्टम विच यू कैन बिल्ड टू मेक यू फ्री। सो आई नोट डाउन ऑल दीज क्वेश्चन जो कि एक नया टीम मेंबर पूछता है। सर ये बताइए आपके, जैसे आप, मैंने आपको ज्वाइन करा, आपके अपलाइन कौन है, उनके अपलाइन कौन है, उनके अपलाइन, तो यू हैव टू टेल देम द प्रॉपर हायरार्की। ओके, तो मैंने जो एक पहली वीडियो बनाई है उसके अंदर यही सब लिखा है कि दिस इज द कंपनी प्रोफाइल, कंपनी का न्यूज लेटर यहाँ पे मिलता है, यहाँ पर ये वीडियो, यहाँ पे ये फोटो, यहाँ पे ये पीडीएफ फाइल, ये सब चीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। एंड ऑल्सो अगर मान लीजिए आपने कंपनी में ऑर्डर किया और कंपनी का प्रोडक्ट डैमेज आया, योर अपलाइन विल नॉट डू एनीथिंग इन दिस, यू मस्ट मेक अ प्रैक्टिस कॉन्टेक्ट कस्टमर केयर फास्ट, यू मस्ट नो कस्टमर केयर को कैसे कॉन्टेक्ट करना है। पहले ही वीडियो में मैं उनको बोलता हूँ सेव फोन नंबर ऑफ अवर कस्टमर केयर, क्योंकि अगर आप कंपनी के कस्टमर केयर को, क्योंकि ये काम कस्टमर केयर का है, ये आपका काम नहीं है एज एन अपलाइन। एंड आई मेक इट वेरी वेरी क्लियर दैट बीइंग एन अपलाइन आई एम योर बिजनेस मेंटर, कंपनी स्पेसिफिक कोई भी प्रॉब्लम है कॉन्टेक्ट कस्टमर केयर, नॉट मी। ओके, ये एटीट्यूड से नहीं बोलना है, साथ देके आराम से बोलना है, टू गेट रिजोल्यूशन फास्ट। ओके, सो कंपनी पॉलिसीज क्या होती हैं, रीड दीज बुक्स, रीड वॉच दिस वीडियो। सो हो सके, होता क्या है कि एक जब बेस स्ट्रांग होता है, ऑब्वियसली इन सब चीजों का कोई गारंटी, इसका कोई, ये सब करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कोई गारंटी नहीं है कि पर्सन काम करेगा, पर एटलीस्ट अगर वो काम करने वाला बंदा होगा, ईगल होगा, चिकन वाले लोग तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है ये सब करने का, बट जो ईगल होंगे डेफिनेटली दे विल हैव अ वेरी वेरी सॉलिड बेस। और ये सब चीजें अगर आप रिकॉर्ड करके रख लें कहीं, ये सब चीजें, जैसे मैंने एक पीडीएफ फाइल बना ली, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, वहां पे मैंने पूरा लिख लिया और मैंने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके हमारे फेसबुक ग्रुप में अपलोड कर दिया कि सर ये बताइए वो प्रोडक्ट की लिस्ट कहाँ से मिलेगी, सर कैटलॉग का पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, ये प्राइस लिस्ट कहाँ से मिलेगी, गो टू फेसबुक ग्रुप, वहां पे फाइल्स में सब आपको मिल जाएगा। सो दैट इज अवर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्योंकि क्या होता है, व्हाट्सएप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आज अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को ऐड किया तो पुरानी फोटोज वो वीडियोस वो नहीं देख पाएगा, बट फेसबुक ग्रुप में फायदा क्या होता है कि आप प्रॉपर एक सेक्शन में सारी फाइल्स अपलोड करके रख सकते हैं सिस्टमेटिक वे में। ओके, सो इस तरीके से वी हैव क्रिएटेड अ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। और ये सब चीजें क्यों करा, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू विजुलाइज माई परफेक्ट डे कि टीम में लोग ज्वाइन करें। आज अगर टीम में मेरे दो लोग ज्वाइन करते हैं एग्जाम्पल, सो आई नो I just have to give them some instructions, this, 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 but I don't have to train them because everything is now recorded. Okay, so team mein bhali 100 log join kare aaj, there is no wastage of time. 100 logon ko ek saath ek induction program hum log kar sakte hain, but everything is recorded. Okay, solid online team culture. Ek ab dekhiye kya hota hai ki at a time of lockdown everybody understand ki online training deni chahiye apni team ko. Okay, but many people lack this skill. I can see कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि जूम के थ्रू अपनी टीम को ट्रेनिंग दे रहे हैं एंड बातचीत कैसे चल रही है। हाँ सर कैसे हैं सर, ठीक है सर, और सर कैसे चल रहा है, और बताइए सर वहां पे कितने लोग मर गए। डोंट क्रिएट सच काइंड ऑफ कल्चर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू क्रिएट अ कल्चर। ऐसा नहीं कि कोई बनियान पहन के बैठ गया, कोई लेटे हुए ऐसा के बात कर रहा है, दिस इज अ बैड बैड कल्चर। यार आपकी टीम में कोई ईगल्स होंगे, कोई अगर रियली में सिंसियर पर्सन होगा, that person will go out of this training and wo webinar ki aapki jo team meeting ki jo importance hai, you will lose the importance. Okay, so I wanted to create a very good culture jahan pe hansi mazak bhi ho, humor bhi ho. I have a person called Akhilesh who is a very good guitarist, hum usko le aate hain. Jaise aaj ki webinar mein starting mein main Vaibhav ko le aaya, I know the art of how to bring out the talent of the people. Okay, Boost your people. Don't train them, involve them. So we have to just become a host. Ek team training ki hame host banna hai. Hame team trainer nahi banna hai, itna kuch khas. Okay. To host banne ka matlab engage them in a particular topic. Jaise say for example, ek particular topic. Okay, today in the meeting we are going to discuss about product mehenge hain. Isko kaise solve kare? And product mehenge hain. Ab
everybody will come into that team meeting and then you can guide them. Okay, so Mr. XYZ, aap ye bol rahe hain ki product bade mehenge, aap Himachal mein rehte hain, wahan pe bade mehenge, log nahi lete hain product. So Bihar mein aap kaise kar rahe hain, aapko kya mehenga nahi lag raha? How you handle your customers? How you handle this? How you handle him? So dusron ke experience se dusron ko sikhaiye. That is a very good way to manage a very productive team culture. Because jab log involved feel karte hain, जब लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व फील करते हैं, यू नो क्या होता है, जब लोग इन्वॉल्व फील करते हैं तो कुछ ऐसा होता है. When people feel involved, people do this. Okay? This person, Vaibhav, he is connected with me emotionally. He is not connected with me in terms of my achievement or anything. He is connected with me. So you have to create this culture. तो बहुत सारे टीम में लोग ऐसे हैं मेरे जो इस तरीके से सोच रहे हैं कि अचीवमेंट तो हम कर ही रहे हैं, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ ही रहे हैं. एट द सेम टाइम हमें यहाँ पे जो सीखने को मिल रहा है ना, वी कैन नॉट लर्न दिस फ्रॉम एनीवेयर एल्स. सो दिस इज अ प्रोडक्टिव टीम कल्चर. जब अगर हम इन सब चीजों को मैनेज करना सीख जाए, लेट्स विजुअलाइज दिस परफेक्ट डे. आप सो के उठे, प्रोस्पेक्ट आपको बोल रहे हैं आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर टीम, ओके कम, ओके. ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो रही हैं, प्रेजेंटेशन ऑटोमेट हो रहे हैं, फॉलो अप क्लोजिंग ऑनलाइन हो रही है, हार्डली 15 मिनट लगते हैं एक मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग में. सॉलिड इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा है, सॉलिड ऑनलाइन टीम कल्चर हो रहा है, मल्टीपल टीम के ट्रेनर्स हो रहे हैं. व्हाट एल्स डू वी नीड इन दिस बिजनेस? एंड दिस इज अ डुप्लीकेशन बिजनेस. आगे आने वाले टाइम में पीपल विल ऑल्सो ग्रैब दिस एनर्जी एंड देर आर मेनी पीपल इन माई टीम नाउ, दे आर नाउ कमिंग अप एज अ ट्रेनर. और ग्रेजुअली वॉट आई एम ट्राइंग इज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ब्रिंग some trainers out, or every day you have to plan ki ab humko kaun si training karni chahiye, right? So that's my visualization of a perfect day. Aur maine aapko kya bola, after 2 to 3 years I'm not saying I want to quit network marketing. Network marketing always will be here, but the thing is I really want ki mera business ek automate mode mein chahe. This is possible for 100%, it is possible, let me tell you. But we have to prepare our plan, prepare our system accordingly. Do you agree with this or not? Do you agree with this? Because I really don't want ki network marketing mere liye job ban jaye. How to automate follow-up and closing? So dekhiye, follow-up ke liye social media is a very, very good thing. Follow-up. Because again, I'm telling you, after some time, after 1 to 2 years, ek se do saal lagenge har ek naye person ko to create a strong influence. After some time, this business works on influence. फॉलोअप का मतलब क्या हुआ एंड क्लोजिंग का मतलब क्या हुआ? ऑब्वियसली एकदम से पूरा ऑटोमेट तो नहीं हो सकता ये सब चीजें, राइट? बट एट द सेम टाइम वंस यू क्रिएट अ वेरी वेरी गुड कॉन्टेंट, जो कि आप क्या बोलते हैं, रीयूज कर सकते हैं कोई ऐसा कॉन्टेंट को, यू कैन डू सम ऑटोमेटेड वेबिनार ऑल्सो. अब ऑटोमेटेड वेबिनार अभी इंडिया में इतना नहीं चलता है, मैंने भी इसको इतना ट्राई तो नहीं किया है, बिकॉज राइट नाउ आई डोंट हैव मच इन्फ्लुएंस. बट आई रियली वॉन्ट टू क्रिएट मोर इन्फ्लुएंस, एंड इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन माई टीम, आई रियली वॉन्ट कि आके कुछ टाइम बाद, I'm just sharing this with you, आज से कुछ टाइम बाद कि okay, so I want to create a system where a person comes, where a person just see a post, register for a webinar, automated webinar, मैं उसमें नहीं कर रहा हूँ, automated thing, and then join my team, and then I will talk to you. This is possible. But I am working on it right now, not in next 2 to 3 months, after that I will do this. But right now, I'm focusing on building a very good team culture where I'm trying ki meri team mein bhi aage log bade. I have very, very good talented people. I want them. Right now, I'm focusing on next 3 months target is train the trainers. Have more and more trainers in the team. That is my primary focus right now. Okay. But this is possible. If you have a good, strong influence, follow up and closing, ek webinar ke baad hi closing ho jati hai. If you have very good influence, okay. I hope you agree with me. If you not, मतलब मैं आपको बच्चा बता रहा हूँ, this is my way कि मैं network marketing को इस angle से देख रहा हूँ. Network marketing ही एक ऐसा business मुझे लगता है जहाँ पर I can create some duplication, okay. Obviously, this business is all about being unique. At the same time, if I have many people who can build this business with good energy and with the right intention, this is possible. बट इसको पॉसिबल बनाने के लिए आई माई सेल्फ, आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ फर्स्ट. आई एम ऑल्सो ग्रैबिंग न्यू स्किल्स. आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट टू इम्प्रूव माई वर्ड्स. मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए. और लर्निंग इज लाइफ टाइम, लर्निंग हमेशा चलती रहती है. तो ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड फॉर दिस 3 टिप्स, मैं आपको 3 टिप्स देने वाला हूँ प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए फॉर यू.
And three tips. Tip number one is evaluate where is your time going. ये बहुत important है. क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि कोई एकदम से फोन कर देता है तरुण यहाँ पे आ जाओ तरुण वहाँ पे आ जाओ. Now I learned the art of how to say no. मैं तीनों ही ओपन कर देता हूँ. Now the thing is मैं evaluate करता था मेरे time planning में thinking में बहुत ज़्यादा जा रहा है. अब मैं planning and thinking में content preparation में इतना time नहीं लगाता हूँ. Because I have grabbed skill of how to create content fast content कैसे create किया जाता है. You know Gary Vee को जानते हैं? Anybody? जो लोग डिजिटल मार्केटिंग देख रहे होंगे गैरी वी को आप जानते ही होंगे. ठीक है, तो गैरी वी का भी एक वीडियो है हाउ टू क्रिएट कंटेंट फास्ट. नाउ ये मेरा एक प्रॉब्लम है. मान लीजिए मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि आई हैव अ प्रॉब्लम कि हाउ टू क्रिएट कंटेंट फास्ट आई डोंट नो. सो आई विल फोकस ऑन इट. मैं लिखूंगा कि वॉट ऑल थिंग्स आई लैक बिकॉज दिस इज माइक्रो लर्निंग. आपके बिजनेस में आपको अगर अभी लैक हो रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग में, आपको लगता है कि आप अभी बिजनेस को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए यू लैक फाइन वर्ड्स, आपको लगता है कि बिजनेस बिल्ड करने के लिए यू लैक दैट पर्सनालिटी ऑफ ए डिजिटल लीडर, देन यू कैन वर्क ऑन दैट. बट राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन, मैंने इस पे काम किया ऑलरेडी, हाउ टू क्रिएट कॉन्टेंट फास्ट. तो गैरी वी की कुछ वीडियोज हैं इसके ऊपर कि फास्ट कॉन्टेंट कैसे क्रिएट करें, एंड आई फॉलो सम ब्लॉग्स ऑल्सो. ओके, सो कॉन्टेंट प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम जा रहा था वो मैंने फास्ट करा थोड़ा सा, फिर भी टाइम लगता है, आधा पौना घंटा लगता है ये फिर भी. नेक्स्ट, ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क. जैसे मैंने आपको बताया कि सेम टीम को ट्रेनिंग देने में इट टेक्स टाइम, तो क्यों ना उसको एक रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट कर दिया जाए, विच मीन्स रिकॉर्ड करके रख लिया जाए. एंड थर्ड, आई एम नाउ मास्टर इन हाउ टू से नो. आई नो हाउ टू से नो. Now, होता क्या है कि नो कहने का मतलब किसी की बेइज्जती करना नहीं है. नो करने का मतलब आई डोंट से नो बिकॉज आई एम बिजी, आई से नो बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी बिजी. ओके, बिकॉज होता क्या है कि बहुत सारे ऐसी सिचुएशन बनती हैं जहां पे एकदम से लोग बोलते हैं कि बहुत बढ़िया सेमिनार है चलिए. ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेमिनार में हमें नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, बट आई हैव क्रिएटेड अ सिस्टम जहां पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक बड़े इवेंट्स में जरूर जाऊँ, जो भी ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं. आई मेक श्योर कि बहुत अच्छी कोई ट्रेनिंग हो रही है, बहुत अच्छी इन द सेंस स्पीकर बेस्ड नहीं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग जहाँ पे मैं अपनी टीम को साथ में लेके जा सकता हूँ, वहाँ पे लेके मुझे जाना चाहिए. इन सब जगह आई जस्ट स्पेंड टाइम एंड मनी देयर, बट एट द सेम टाइम आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो. बिकॉज होता क्या है ना कि अपलाइन उनकी अपलाइन, हर किसी का अपना अपना ट्रेनिंग सिस्टम है, तो हर कोई आपको इन्वाइट करेगा. एक काम करो, बहुत जबरदस्त मीटिंग, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ वहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ वहाँ पे, आ जाओ. तो आई डोंट ट्रेवल, I do everything online. So, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने upline को मना करिए. No, I have a very strong bond with my uplines. But the thing is, I have this thing very, very clear कि what I want from this business. Okay? So, these are three productivity tips. मैं आपको बोलूँगा कि ये जो training आप ले रहे हैं ना, this training is not good to hear. बस सुन लिया और खत्म. These are the exercises. आपको ये assignment करना पड़ेगा. मैंने भी ये किया. थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन जब हम ये सोचेंगे, विजुलाइज करेंगे कि मेरे दिन में कहाँ मेरा टाइम जा रहा है, कहाँ पे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, हॉटस्टार देख रहे हैं, अमेज़न प्राइम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कहाँ पर आपका टाइम जा रहा है, और फिर इवेल्युएट करिए स्क्रीन टाइम आपका कितना, सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग इन ऑल दीज थिंग्स अनप्रोडक्टिव टाइम, हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन ट्रेनिंग योर ओन टीम मेंबर, हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन प्रिपेयरिंग अ वन सिंगल टीम मेंबर. एक सिंगल टीम मेंबर के ऊपर इतना टाइम लगा रहे हैं, क्या फायदा. मान लीजिए आप एक, मेरे एक टीम मेंबर ने मुझे फोन किया, मेरे को बोल रहा है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करूं, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरी ना कोई पर्सनल वैल्यू भी नहीं है, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे को इस तरीके से मेरी बातों पे ज़्यादा गौर नहीं कर रहे, तो हाउ कैन आई डू. तो मैं उसको बोलता हूँ, वेरी गुड क्वेश्चन, एक काम करते हैं आज की ट्रेनिंग इसी पे करते हैं. एक पर्सन को आंसर देने से अच्छा है पूरी टीम को गैदर करके आंसर दे दिया जाए. सो टुडे वैभव हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, और मैं आपको इसका आंसर, I want to give this answer in a group meeting. So, एक answer जो आप दे रहे हैं, क्यों ना सबको एक साथ दे रहे हैं? Correct? So, I try my best key to, और फिर उसको record करके रख लिया जाए. Right? So, this way, I try my best to create more and more content ready for more people coming up in the team. Alright? Do you understand this or not? Are you finding it useful? Just use the comment box down and just type useful. Just type useful. अगर आपको सब चीजें useful लग रही हैं तो, ओके, और यूजलेस लग रही है तो कुछ लिखिए मत, नेगेटिव लिखने से अच्छा कुछ लिखिए मत. इफ यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल जस्ट टाइप यूजफुल. यस, ओके.
चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब. नाउ नेक्स्ट इज 3 प्रोडक्टिविटी टिप्स मैंने आपको अभी बताए. ओके ओके तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट. फोर्थ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग. ऑल दोज पीपल हु आर वॉचिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, कम टू यूट्यूब या कम टू जूम, आपके लिए ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपके लिए. फोर्थ, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू टूल्स, बिकॉज एक चीज मुझे समझ में आई कि यू नो रोबोटिक्स, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी से, एक इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो वहां पर पूरी की पूरी कोशिश की जाती है कि आज अगर हमारी टीम में 20 लोग हैं तो हाउ टू क्रिएट अ शेड्यूलर, कि जो एक पर्सन हम किसी का नाइट शिफ्ट करवा रहे हैं किसी को, क्यों ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दें जिससे कि वो शेड्यूलर बेस्ड हो जाए. एक पर्सन बैठा हुआ है, कोई सपोर्ट की टिकट्स आ रही हैं, वो कोई इशू आ रहा है, तो क्यों ना वो ऑटोमेटिकली किसी को असाइन हो जाए. एक पर्सन को असाइन करने की क्या जरूरत पड़ी. इस तरीके से आईटी इंडस्ट्री ऑलवेज थिंक्स कि कैसे चीजों को ऑटोमेट किया जाए, है ना. सिमिलरली आई ऑल्सो ट्राई माई बेस्ट कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऐसा मैं सोचता हूँ, बाकी किस हद तक हो पाएगा वी डोंट नो, बट द थिंग इज बहुत सारे टूल्स को आई यूज एज अ रोबोट. और आपको भी ये समझना पड़ेगा कि दिस टाइम प्रेजेंट 2020 ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज नाउ गोइंग डिजिटल, बट फ्यूचर में आज से 1 से 2 साल के बाद क्रिएट सम रोबोट्स जो कि रोबोट आपके लिए काम करे. ओके रोबोट अब ज्यादा बड़ा टर्म हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट टूल्स. अगर आपको कुछ टूल्स यूज करने आ जाते हैं, है ना, यू नो अगर एक बड़ा सा पेड़ तोड़ना होगा, अगर एक पेड़ को काटना होगा, तो पहले के टाइम पे आरी आती थी ऐसे के घिसते रहते थे, और आज क्या है वही इलेक्ट्रॉनिक आते कट जाता है. तो पिछले जमाने का टूल कुछ और था, आज के जमाने का टूल कुछ और है, और फ्यूचर का जमाने का टूल कुछ और होंगे. ओके सो आई ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन टूल्स. और जो आप ये देख रहे हैं ना, देखिए आज की पूरी ट्रेनिंग बनाने में क्या मैंने कोई फैंसी स्टफ यहाँ पे बनाया, आई एम जस्ट यूजिंग अ माइंड नोड. बहुत कितने इजीली इवन यू आर गेटिंग अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, कितना अच्छी तरीके से मैंने इसको हायरार्किकल वे में बना रखा है. बट इसको पूरा बनाने में हम लोग पहले में क्या करता था, आई यूज टू स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशंस. पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, बट इसको बनाने में कितना आसान है. तो दिस इज अ टूल व्हिच आई एम यूजिंग टू गिव ट्रेनिंग्स, दिस इज अ ट्रेनिंग टूल. सिमिलरली देयर आर मेनी मेनी टूल्स व्हिच आई यूज जो कि मुझे हेल्प करते हैं मेरा टाइम बचाने में. ओह लंबी लंबी लिस्ट है ना. तो टूल नंबर वन जो कि आप सभी लोग यूज करते होंगे, दैट इज व्हाट्सएप ग्रुप. सबसे पहले तो एक आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दैट यू मस्ट हैव सम प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर एक आप मैसेज करें और टीम में सब लोगों को नोटिफिकेशन चले जाए. एक मैसेज और सब लोगों को नोटिफिकेशन चले जाए, राइट. सो बट व्हाट्सएप पे एक लिमिटेशन है, 250 लोग ही आ सकते हैं इसके अंदर. सो यू कैन यूज टेलीग्राम ऑल्सो. राइट नाउ डिजिटल नेटवर्कर एकेडमी के लिए आई एम यूजिंग टेलीग्राम, जहां पे आई एम बिल्डिंग अ कम्युनिटी यूजिंग टेलीग्राम. लगभग 700 लोग हैं अभी उसके अंदर, एंड आई एम इसके अंदर मेरे ख्याल से 2 लाख या 20 लाख लोग आ सकते हैं. तो नो लिमिट एक तरीके से. तो टेलीग्राम इज अ वेरी वेरी गुड इंस्टेंट मैसेंजर, यू कैन ऑल्सो ट्राई इट. अगर टीम के सब लोगों को टेलीग्राम में आप लेके आते हैं, देयर आर मेनी मेनी ऑप्शन की उसमें पोलिंग कर सकते हैं, मेनी मेनी वेज. ओके सो ऑल दोज पीपल हु आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब, जो लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, इफ यू आर फाइंडिंग दिस कॉन्टेंट वैल्यूएबल, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल. सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मेरा हक बनता है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाने का. सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल बिकॉज देयर आर मोर अमेजिंग स्टफ कमिंग अप. सब्सक्राइब इट. एंड ऑल्सो लेट मी शो यू द टेलीग्राम ग्रुप. दिस इज अ टेलीग्राम ग्रुप आई एम यूजिंग. इस टेलीग्राम ग्रुप में आई एम जस्ट बिल्डिंग अ कम्युनिटी हियर इन दिस टेलीग्राम ग्रुप, डिजिटल नेटवर्क अकेडमी. सो यू कैन ऑल्सो यूज टेलीग्राम टू बिल्ड अ कम्युनिटी. सेकेंड टूल जो मैं यूज करता हूँ, दैट इज फेसबुक ग्रुप. ओके फेसबुक ग्रुप में जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि ऑल दी वीडियोज, ऑल दी ट्रेनिंग वीडियोज, ऑल दी पीडीएफ फाइल, प्रोडक्ट कैटलॉग, प्राइस लिस्ट, रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट डिसीज, है ना, कौन कौन से प्रोडक्ट हमको देने चाहिए. जैसे कोई बोल रहा है कि फैटी लिवर वाले को क्या दूं, पिंपल्स के लिए क्या दूं, बाल उड़ रहे तो क्या दूं, तो क्यों ना आप बना के रख लें, एक जगह बना के रख लें कि दीज आर द रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स, एंड आपको उसको यूज कैसे करना है, आप इसको यूज कैसे करना है वो उसको शेयर कर दीजिए, उसके आगे लिख दीजिए दिस इज हाउ यू हैव टू यूज इट. ओके जो लोग अभी टेलीग्राम में नहीं है मेरे, तो आई एम शेयरिंग दिस टेलीग्राम लिंक विद यू, आप उसको इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आ सकते हैं. ओके जस्ट गिव मी अ मोमेंट. इन द चैट बॉक्स आई हैव शेयर्ड दिस टेलीग्राम ग्रुप लिंक. ओके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं.
And also I'm sharing the same on YouTube. You can join this Telegram group. Now, Facebook group को भी बहुत जबरदस्त तरीके से as an e-learning platform you can use. I'm using it. Third, I'm using Zoom WhatsApp video. Now, Zoom में मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग Zoom में free account use कर रहे हैं. Zoom का जो free account है ना, उसमें क्या होता है कि only 40 minutes, सिर्फ 40 minute का time मिलता है हमें. 40 minute के अंदर group meeting कर सकते हैं, one to one meeting unlimited कर सकते हैं, है ना? So पहले मैंने कम से कम छह महीने मैंने Zoom free use किया. और 40 मिनट जब खत्म हो जाते थे तो मैं बोलता था यार मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर से आ जाना, फिर से ज्वाइन कर लेना. बट वो ट्रेनिंग का मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, वो जो एग्जैक्टली जो हम चाहते हैं लोग एक्शन में कन्वर्ट हो, वो ब्रेक हो जाता था उसमें. सो आई लेटर ऑन मेरे माइंड ओपन किया मैंने, यस आई शुड इन्वेस्ट ऑन माई टूल्स. नाउ जूम एप्लीकेशन में राइट नाउ आई एम यूजिंग वेबिनार मोड. वेबिनार मोड में क्या होता है कि आप लोग इस वेबिनार को जो अटेंड कर रहे हैं, यू डोंट नो अदर पार्टिसिपेंट्स, यू कैन नॉट सी देयर वीडियोस, यू कैन नॉट हियर अदर पीपल, यू विल जस्ट have a feeling कि मैं आपसे one to one बात कर रहा हूँ. This is a beautiful learning experience. So I am now using webinar mode of Zoom, जहाँ पे 4000 rupees per month मैं invest करता हूँ यहाँ पर. और now this Zoom app is helping me to build my business. So don't think too much कि tool पे खर्च करो. मैं कह रहा हूँ लोग rent पे कर रहे हैं एक office लेकर, spend in all these things. Evernote is a free account you can use for digital notes. सारे प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट सब मैं इस एवरनोट में यूज करता हूँ, ओके, बिल्ड करता हूँ. कैलेंडर टू शेड्यूल माय मीटिंग्स. कैनवा आई यूज फॉर फोटो एडिटिंग. कैनवा www.canva.com, दिस आई एम यूजिंग फॉर फोटो एडिटिंग. सो आई डोंट हैव एनी एडिटर, मेरे पास कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं है. ये जो कुछ भी फोटोज वोटोज मैं बनाता हूँ, इवन ये जो फोटो है, ये जो मैंने फोटो बनाई हुई है, इसको मैं जरा छोटा करता हूँ, एक मिनट. ये जो फोटो है, This I have created using Canva tool. Okay, कोई मेरे पास डिजाइनर नहीं है जो ये सब चीजें बना रहा है. Okay, next social media platform use करता हूँ. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter. जिसमें LinkedIn और Twitter ज्यादा use ना करके Facebook, Instagram and YouTube को मैं ज्यादा build कर रहा हूँ यहाँ पे community को. Next I use Kindle e-books to learn, to read books. Physical books बहुत ज्यादा नहीं, e-books को ज्यादा मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, because I have iPad, MacBook. इसमें Kajabi tool जिसमें जिसके थ्रू ईमेल मार्केटिंग मैं करता हूँ, बट दिस इज फॉर डिजिटल नेटवर्क एकेडमी. उसके लिए आई एम यूजिंग Kajabi टूल. एंड यूजिंग Kajabi टूल मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप मेरे से अलग से बात कर सकते हैं. Kajabi टूल जो है, यू कैन यूज दिस टूल फॉर ऑटोमेटेड वेबिनार. तो जैसे मैंने आपको बताया था, ऑटोमेटेड वेबिनार इज पॉसिबल, बट उसके लिए आपका पहले इन्फ्लुएंस तेज होना चाहिए, तभी ऑटोमेटेड वेबिनार से रिजल्ट आएगा. सो Kajabi हैज दिस ऑप्शन कि आप एक वेबिनार को ऑटोमेट कर दो, लोग अपने आप रजिस्टर करेंगे, अपने आप वेबिनार लेंगे, अपने आप एक लिंक पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर कर लेंगे आपके टीम में. ओके, सो Kajabi टूल को मैं और ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा हूँ इसमें. नेक्स्ट इज पॉडकास्ट. आई यूज पॉडकास्ट टू लर्न. बहुत सारे इसमें ऑडियो नोट्स होते हैं. देन आई एम यूजिंग कैमटेशिया एंड आई मूवी टू एडिट माई वीडियोज. यू नो कैमटेशिया? कैमटेशिया लगभग इसका 13,000 रुपए का पैकेज था. 13,000 रुपए का मैंने इसको परचेस किया है. मैंने कभी, मेरा दिमाग नहीं होता था कि मैं यार कोई एक टूल को खरीदूंगा. मैंने इसको खरीदा है. दिस इज कैमटेशिया. ओके, इसके थ्रू आई डू बेसिक वीडियो एडिटिंग. जो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, मैंने सब चीजें सीखी ऑनलाइन ही. मैंने सीखी कि कैसे कैमटेशिया को यूज करते हैं. एंड आई एम यूजिंग दिस टूल टू क्रिएट माई वीडियोज फास्ट एंड फास्ट. ओके, ये सारी वीडियो एडिटिंग आई कैन डू. सो द थिंग इज, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, डोंट गो फॉर चीप स्टफ. डोंट गो फॉर फ्री मिल जाए. आपको कुछ खर्चा करना चाहिए यहाँ पर, बिकॉज द वे टू सक्सेस इज नेवर चीप. देर आर नो फ्री लंचेस. गूगल जैमबोर्ड एंड की नोट को मैं यूज करता हूँ. ये एप्पल में आता है की नोट, एप्पल की नोट. एंड अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है, देन यू कैन यूज माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन. बट आई एम नाउ यूजिंग माइंड नोट. ये जो मैंने पूरा बनाया है, दिस आई एम यूजिंग माइंड नोट. माइंड नोट करके एक टूल है. अगेन दिस इज अ पेड टूल. ये फ्री टूल नहीं है, ये पेड टूल है जिसके लिए मैंने पेमेंट करी हुई है. दिस इज अ लाइसेंस्ड वर्जन. एंड आई ऑलवेज बिलीव कि अगर एक ऐसा टूल, एक ऐसी स्किल अगर मेरी बिजनेस को आगे लेके जा सकती है, इफ एक ऐसी स्किल, एक ऐसा टूल जो कि मेरी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकती है, आई शुड इन्वेस्ट देयर. बिकॉज एक बार मैंने कैमस्टेशिया को 13,000 रुपए का खरीदा था. नाउ दिस इज विद मी फॉर लाइफ टाइम. ओके, Kajabi टूल, एवरी मंथ आई एम स्पेंडिंग सम अमाउंट हेयर. बट हो क्या रहा है इन सारी टूल्स की वजह से, these are just like robot for me, and these tools are helping me to live a good life. Okay,
एंड दीज टूल्स जैसे मैं और ज्यादा स्मार्टली यूज करूंगा लेटर ऑन आई विल इम्प्रूव मोर एंड मोर प्रोडक्टिविटी. ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वी मस्ट हैव दिस वेरी 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 क्लियर कि हमारे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए दैट दीज आर वी हैव टू इम्प्रूव अवर प्रोडक्टिविटी. वी मस्ट एनालाइज, वी मस्ट रियलाइज वॉट इज अवर परफेक्ट डे इन नेटवर्क मार्केटिंग एंड अकॉर्डिंगली टेक स्टेप्स. ऑलराइट, डिड यू फाइंड इट यूजफुल? इफ येस, इफ यू फाइंड इट यूजफुल यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. इफ यू फाउंड इट यूजफुल द एंटायर ट्रेनिंग, इन दैट केस जस्ट टाइप यूजफुल, जस्ट टाइप यूजफुल इफ यू फाउंड इट यूजफुल. ओके.